हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डिवाइन कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आज एक नॉन वेज का डिश बना रही हूँ, जो कि आप लोगों को मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं आज फिश का एक रेसिपी बना रही हूँ, कि जो है फिश सेट करी, और मैं उसको 2-in-1 करी जैसा बनाऊँगी, जैसे कि जो वेजिटेरियन लोग हैं वो भी खा सकते हैं और जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो फिश ऐड करके खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। करी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में दो कटोरी चना डाल लेके उसको अच्छे से धो के आधा घंटा के लिए भिगा दिया था। वो थोड़ा फूल गए, फिर हम उसको करी के लिए प्रेशर कुकर में डालेंगे। और इस कटोरी में मैंने एक कटोरी मसूर डाल लिया है और उसको भी अच्छे से धो के उसमें डाल दूँगी, लेकिन मसूर दाल को भिगाने की ज़रूरत नहीं है। और जिस कटोरी में हमने डाल लिया था उसी कटोरी में हम पानी लेंगे, और जितना हमने डाल लिया था उसका 2 गुना हम पानी डालेंगे। फिर हम वेजिटेबल्स लेंगे, और वेजिटेबल्स में मैंने थोड़ा सा पम्पकिन लिया है और एक आलू लिया है और थोड़ा सा बंद गोभी या कैबेज लिया है। आपके हिसाब से, आपके दाल के हिसाब से आप वेजिटेबल्स लेंगे। मैंने थोड़ा ही डाल लिया है तो इसीलिए इतना ही वेजिटेबल्स लिया है। फिर हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 तेज़पत्ता को तोड़ के डालेंगे। फिर हम उसको प्रेशर कुक करने के लिए रख देंगे। हम इसको 2 सीटी आने तक कुक करेंगे, हाई फ्लेम में 2 सीटी। जब तक हमारा दाल कुक हो रहा है, हम अभी करी के लिए मसाला पेस्ट तैयार करेंगे। और मसाला के लिए मैंने एक बड़ा सा टमाटर लिया, इसे आधा में पेस्ट बनाऊंगी। 4 क्लोव्स गार्लिक और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और उससे हाफ ऑनियन मैं मसाला पेस्ट में यूज करूँगी, और हाफ ऑनियन और हाफ टमाटर मैं उसको फ्राई करने के लिए रखूँगी। यहाँ हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है। सूखे मसाले में मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची और थोड़ा। फिर हम करी बनाने के लिए कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे, उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। फिर मैंने उसमें थोड़ा जीरा ऐड किया, थोड़ा सा हींग ऐड किया, और हमने जो टमाटर ऑनियन रखा था उसको मैंने डाल दिया है, और उसको थोड़ा चला लेंगे, चलाएंगे। फिर उसमें थोड़ा नमक, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड करेंगे। कस्तूरी मेथी हमने रखा था उसको भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मैं हमेशा कस्तूरी मेथी ऑयल से ऐड करती हूँ, उससे अच्छा खुशबू आता है। और जो हमने ड्राई मसाला रखा था उसको ऐड कर देंगे। फिर मसाला पेस्ट ऐड करके उसको अच्छे से चला लेंगे, और उसको ढक के थोड़ी देर के लिए उसको मीडियम फ्लेम में कुक होने देंगे। अभी 5 मिनट हो गया है, अब देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से कुक हो गया है। फिर हम जो दाल बॉयल किए थे उसको हम इसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर उसमें हम 1/2 ग्लास गर्म पानी डालेंगे, क्योंकि हम इसमें फिश भी ऐड करेंगे ना, तो ग्रेवी बनने में थोड़ा सा उस ठीक हो जाएगा। तो हम उसमें 1/2 ग्लास गर्म पानी डाल दिया है, और उस हर करी को मैंने और एक, और मेरे पास एक फिश हेड था और एक छोटा पीस फिश था, मैंने उसको पहले से फ्राई करके रखा था। मैंने अभी उसको थोड़ा गर्म करूँगी, और थोड़ा सा ऑयल मैंने ले लिया है, और उसके फिश डाल दूँगी और फिश को थोड़ा सा फ्राई होने दूँगी। और जब तक फिश फ्राई हो रहा है तब तक हम चेक कर लेंगे हमारा करी। हमारा करी बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, और जो वेजिटेरियन लोग हैं आप उसको
ऐसे ही रोटी पराठा राइस के साथ खा सकते हैं। मैंने उसमें थोड़ा सा निकाल के उसमें फीस ऐड करूँगी। अभी हमारा फीस अच्छे से फ्राई हो गया, हमने जो करी निकाला था उससे ऐड कर देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए फीस के साथ कुक होने देंगे। और ये हमारा जो वेजिटेरियन लोग के लिए था, उसमें थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के उसको सर्व करेंगे। ये हमारा फीस करी अभी रेडी हो गया है। मैं उसमें उसको थोड़ा मिक्स करके वो फीस को थोड़ा कट कर रही हूँ और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और अभी थोड़ा इसमें गरम मसाला ऐड कर। अगर आप लोगों को मेरे आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।